कृषि मंत्री जेपी दलाल सोनीपत के गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी के दौरे पर रहे, जहां पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रिपोर्ट देखिए। जेपी दलाल सोनीपत के गन्नौर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी पहुंचे। इस दौरान जेपी दलाल ने बताया कि मंडी बनाने के लिए सरकार की तरफ से 400 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया है और मामले में अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। जेपी दलाल की माने तो मंडी को जल्द ही बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। 400 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए डाल दिए हैं। मीटिंग हुई थी पीछे 10-12 दिन पहले और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं, ये प्रोजेक्ट जो है पहला फेज जो इसको शुरू कर दिया जाए। प्याज की बढ़ती कीमतों का कारण बताते हुए हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भंडारण की कमी की वजह से प्याज की कीमतों में उछाल आया है। जेपी दलाल ने कहा कि भंडारण की कमी को दूर करने के लिए किसानों को ट्रेनिंग के साथ ही सब्सिडी की सुविधा भी दी जाएगी। तो भंडारण के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दें, व्यवस्थाएं बताएं, उनको ट्रेनिंग दें और वो अपने उसमें ही रखें तो किसान को लाभ मिल सकता है। जेपी दलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार कब जनता के लिए काम करेगी। जेपी दलाल ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार तो काम करती है लेकिन उन्हें नहीं दिखता। भूपेंद्र हुड्डा जी भी 10-12 साल रहे थे, वो काम करते तो उनके 15 से नीचे क्यों आती, वो अपने ऊपर भी तो ये नियम लागू करके देखें, हमने तो फिर भी 3% वोट बढ़ाए हैं। फिलहाल इन सब के बीच प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल की माने तो भंडारण की कमी की वजह से प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता को प्याज के बढ़ते दामों से कब निजात मिलेगी। गन्नौर से खबरें अभी तक के लिए दिलीप राठी की रिपोर्ट।